We will start with the felicitation. फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री भजन सम्राट अनूप ज्वेलोटा जी, फिल्म महोत्सव के प्रस्तुतकर्ता एवं जूरी के सदस्य, श्री देवाशीष सरगम, संस्थापक और निर्देशक मून व्हाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, पंडित सुभाषित राज जूरी सदस्य, सम्मानित जूरी सदस्यगण, विभिन्न पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता देवी और सज्जनों, मून व्हाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पुरस्कारों की प्रस्तुति के लिए आपके बीच आकर मुझे वास्तव में खुशी हो रही है। भजन सम्राट श्री अनूप ज्वेलोटा जी के प्रति मेरे मन में अत्यंत सम्मान है। दरअसल मैंने उनके दिवंगत पिता श्री पुरुषोत्तम दास ज्वेलोटा जी के भी कई भजन सुने हैं, इसलिए जब अनूप ज्वेलोटा जी ने मुझसे पुरस्कार समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया तो मैंने तुरंत अनुरोध स्वीकार कर लिया। भले ही आज मेरे लिए बहुत ही व्यस्त दिन था, आज सीमा पार से देश के दुश्मनों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों और सशस्त्र बलों के सदस्यों की शहादत की 15वीं वर्षगांठ है। यह गर्व की बात है कि आतंकवादी हमले के बाद भी भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। दूसरी ओर आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला देश हर मोर्चे पर नाकाम हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता खो रहा है। इस अवसर पर मैं शहीद हुए हमारे जवानों का मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे बताया गया है कि छठा मून व्हाइट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट कल शुरू हुआ और इसमें दुनिया भर से विभिन्न शैलियों के कई फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि फिल्मों का मूल्यांकन एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें राहत जाफरी, पंडित सुभाषित राज, श्री योगेश लखानी, CMD ब्राइट इंडोर मीडिया, गायक डॉक्टर जसपिंदर नरूला और प्रसिद्ध फिल्म स्टार श्री अरुण गोविल शामिल थे। मैं जूरी के सभी प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ। श्री देवाशीष सरगम द्वारा स्थापित मून व्हाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल न केवल सिनेमा की कला का उत्सव मनाता है, बल्कि उन असाधारण प्रतिभाओं को भी सम्मानित करता है जिन्होंने हमारी फिल्म विरासत को समृद्ध किया है। आज हम फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध गायक श्री आगम निगम को हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री आगम निगम की सुरीली आवाज़ ने वर्षों से लोगों के दिलों को छू लिया। मैं सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री समित अंजान को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनकी कलम ने कई सुंदर गीतों की बोलों में काव्यात्मक जादू बुना है, जिससे वे कालजयी और गुंजायमान हो गए हैं। सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार प्रतिभाशाली गायिका श्रीमती साधना सरगम को दिया गया है, जिसकी मनमोहक आवाज ने अनगिनत गीतों में गहराई और भावनाएं जोड़ी है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मृत्यु वर्मा को दिया गया है, जो एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति है, जिसने अपनी कहानी और कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुधीर अत्तावर की दूरदर्शिता और कौशल की भी सराहना करते हैं, जो दर्शकों को पसंद आई और एक अमिट छाप छोड़ गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता के लिए भी तालियां जरूर बजानी चाहिए, जिनके अभिनय ने मनोरंजन के साथ हमें प्रेरित भी किया। इस प्रतिष्ठित उत्सव के प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री अनूप ज्वेलोटा जी और पंडित सुभाषित राज और अन्य सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए पर्दे के पीछे से अथक प्रयास किया। मेरा जन्म 1947
में हुआ जिस वर्ष भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। संयोग से भारतीय फिल्म उद्योग अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। मैंने उस सुंदर स्वर्ण युग की बेहतरीन फिल्में देखी, बेहतरीन संगीत सुना और बेहतरीन गीत लिखे हैं। आज भी कई फिल्मों के गाने मैं गुनगुनाता हूँ। मुझे दुख है कि आज गुनगुना सके ऐसे गाने बनते ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे फिल्म निर्माता एक बार बेहतरीन फिल्में बनाए, आपकी फिल्मों को आम आदमी की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करना चाहिए। मैं इसलिए ये बातें कह रहा था कि अभी एक कार्यक्रम में जनता जी भी मेरे साथ थे, देवानंद जी का कॉफी टेबल बुक का ये विमोचन करना था। उस समय मैंने कहा था कि अभी जो गीत होते हैं उसमें संगीत ज़्यादा होता है, बोल कम होते हैं। पुराने गाने जितने भी देखे, आज भी निगम जी ने जो गाना गाया पुराने गाने में, पुराने गाने में जो मधुरता, और मैं तो उस दिन कहा भी था कि कोई अगर बाथरूम में कोई गाना गुनगुनाना चाहे तो पुराने ही फिल्मों के गाने को गुनगुनाते हैं। भारत में बच्चों का भव्य फिल्म महोत्सव, एक भव्य युवा महोत्सव का आयोजन करना चाहिए। हम अपनी फिल्मों के माध्यम से शांति और सद्भावना का संदेश दे सकते हैं। फिल्म निर्माताओं के पास युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रभावित करने का माध्यम है। आइए हम रचनात्मक और सकारात्मक फिल्में बनाएं जिससे शांति, सकारात्मक का ज्ञान का निर्माण हो। अंत में मैं प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को सिनेमा की दुनिया में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। इट वॉज सो ऑनर फॉर अस कि हमारे बीच में ऑनरेबल गवर्नर जी श्री रमेश भाई जी हमारे बीच में हैं, और मैं बहुत बहुत उनको थैंक्स करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद हमें मिला। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आप लोग प्लीज़ अपना सीट ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। दो मिनट के लिए कर्टन बंद कर देंगे।